कौन कौन सेवक बनकर आए हैं महामाई के, एक बार खड़े होकर के दिखा लीजिए। जो सेवक बनकर आए हैं वही खड़े होंगे, बाकी बैठे रहेंगे, क्योंकि एक बार सेवादारी लगा करके दिखा दीजिए कि माँ हम बच्चे भी आपके सेवक हैं। बस ये आगे आगे वाली बहने दो चार सेवक एक बार खड़े हो जाएंगे, बैठ में बैठ जाना, सिर्फ एक मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर, मेरी नहीं महामाई के लिए खड़ा होना है। क्योंकि जब बालाजी महाराज नाच के अपने प्रभु को रिझा सकते हैं, तो हम तो उसके बनाए हुए कठपुतली हैं। और कैसे हो चम चम में नाचे देखो
बालाजी गठड़ी पे झोलियों में जरूर कुछ ना कुछ मिला है। कौन कौन मानता है? जिनको मिला है इसके दरबार से, और जब मिलता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, और जिनके घर में ढोल बजते हैं वो क्या कह रहे हैं? हेरे पापा की दया ते मारे ढोल बज गए। क्या बात है जी। और कोठी बंगले तो अनमोल सज गए। और देखिए जब ढोल बजते हैं ना तो ये पैर अपने आप थिरकने लग जाते, क्योंकि खुशी चीज ही ऐसी होती है जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। खुशियों में डीजे बजवाते हैं, पार्टियां करते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो भी लोग हैं जो महामाई के नाम का जागरण रचाते हैं। और अगर इसके दरबार में नाच के हाजिरी ना लगाई तो कोई फायदा नहीं। और क्या कहने लगे?